गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी और केकेआर टीम के बीच होने वाले मैच के बारे में, जो कि आईपीएल में आज शाम को मैच खेला जाने वाला है। इस मैच की अगर हम लोग वो टीम देखते हैं जिसको जनता बना रही है, तो वो है जे यहाँ पर कॉमन कैप्टन है ग्लेन मैक्सवेल और कॉमन वाइस कैप्टन है यहाँ पर आंद्रे रसल। और ये जो प्लेयर आप देख रहे हो, ये जो टीम आप देख रहे हो ना, ये आपको आपके सामने वाले ओपोनेंट के पास हेड टू हेड में 3 मेंबर में और 4 मेंबर में 100% मिलने वाली है। अगर आपको जीतना है तो इसमें कुछ डिफरेंशियल करना पड़ेगा। डिफरेंशियल करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कौन से प्लेयर की कौन सी कमजोरी है, कौन से प्लेयर आज के मैच में अच्छा करने वाले हैं और कौन से अच्छा नहीं करने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम लोग प्लेयर बैटल इस वीडियो में। तो यहाँ से जानेंगे किस प्लेयर की क्या कमजोरी है, कौन सा बैट्समैन आज रन कर सकता है और कौन सा गेंदबाज आज विकेट ले सकता है। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्लेयर बैटल देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि किस प्लेयर को आपने छोड़ना है और किस प्लेयर को आपने नहीं छोड़ना है। सबसे पहले गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी चैनल के ऊपर, आप अगर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसको और जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के ऊपर आपको ऐसे ही इन डेथ पिच रिपोर्ट और उसके साथ में इन डेथ यहाँ पर प्लेयर बैटल और ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, ग्रैंड लीग के बारे में वीडियोस देखने को मिलते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसको और जरूर कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की। विराट कोहली की अगर बात करते हैं तो पैट कमिंस के आगे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। 2 बार आउट हुए हैं लेकिन 189 रन बनाए हैं 168 गेंदों में। आंद्रे रसल के आगे भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, 189 गेंदों में 217 रन बनाए हैं। तो जहाँ पर स्ट्राइक रेट भी अच्छा है तो रसल के आगे भी ज़्यादा समस्या नहीं है। नारायण के आगे इनको समस्या है, क्योंकि नारायण के आगे 196 गेंदों में 189 रन बनाए हैं। 196 बॉल जहाँ पर देख रहे हो ना, 189 रन, तो बॉल यहाँ पर ज़्यादा है। T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, बॉल यहाँ पर ज़्यादा है, रन जहाँ पर कम है। दैट मीन्स ये स्ट्रगल करते हैं सुनील नारायण के आगे। 4 बार आउट हो चुके हैं और चारों बार दूसरी पारी में आउट हुए हैं नारायण के आगे। वरुण चक्रवर्ती के आगे भी कोई ज़्यादा इनका कंसर्न नहीं है। हरभजन सिंह के आगे भी कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है। साकिब अल हसन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी जैसे आप देखोगे ध्यान से, 182 रन 182 बॉल्स, तो यहाँ पे भी आप देख लो रनर बॉल है। तो साकिब अल हसन भी इनको रन नहीं देते हैं, तो ऐसे में ये साकिब अल हसन के आगे भी स्ट्रगल करते हैं। 4 बार आउट हो चुके हैं जिसमें से 3 बार ये पहली पारी में आउट हुए हैं। तो अगर साकिब अल हसन और नारायण दोनों केकेआर टीम की प्लेइंग 11 में आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप ग्रैंड लीग टीम में कम से कम विराट कोहली को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि फिर विराट कोहली के जल्दी आउट होने के चांस बढ़ जाएंगे। देवदत्त पाटीकल की अगर बात करते हैं तो पाटीकल का जहाँ पर अगर आप देखते हो तो पाटीकल को यहाँ पर कोई भी ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि सैंपल साइज यहाँ पर छोटा है। रसल ने 1 बार आउट किया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 बार आउट किया है, लेकिन दोनों के खिलाफ इसने रन भी किए हैं, तो इनके लिए कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल का भी अगर आप देखते हो तो ग्लेन मैक्सवेल के आगे भी कोई ज़्यादा बड़ा खतरा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। नारायण ने 2 बार आउट किया है लेकिन रन भी इन्होंने किए हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा इनके लिए वो नहीं है। एबी डिविलियर्स की अगर बात करते हैं तो एबी डिविलियर्स को जहाँ पर नारायण ने 3 बार आउट किया लेकिन 65 गेंदों में 95 रन भी मारे हैं इन्होंने नारायण को। पैट कमिंस के आगे भी 40 रन है 30 गेंदों में। तो सबके आगे अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे वो तो शानदार है यहाँ पर एबीडी का। तो एबीडी और मैक्सवेल को कोई खतरा नहीं है ओपोजिशन टीम के गेंदबाजों से उतना ज़्यादा, जितना कि विराट कोहली को नारायण से है और साकिब अल हसन से है। डैनियल क्रिस्टन की अगर बात करते हैं तो डैनियल क्रिस्टन का भी यहाँ पर अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा उतना बड़ा थ्रेट नहीं नजर आ रहा, और ऊपर से ये ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, स्पेशली स्मॉल लीग में। वॉशिंगटन सुंदर के आगे वॉशिंगटन सुंदर का ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजों के आगे 17 पारियों में 12 रन, 4 बार आउट हो चुके हैं 6 पारियों में। इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजों के आगे। अब दूसरे खेमे में जाते हैं, केकेआर टीम की बात कर लेते हैं। तो केकेआर टीम से अगर आप देखते हैं शुभमन गिल, तो शुभमन गिल का भी ज़्यादा बड़ी कंसर्न नहीं है, सैंपल साइज भी यहाँ पर छोटा है। काइल जैमसन के आगे आउट हुए हैं 5 गेंदों में 16 रन, तो यहाँ पर रन आ रहे हैं, कोई स्ट्रगल नहीं है। नवदीप सैनी के आगे 15 बॉल में 9 रन, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कह सकते हैं, लेकिन नवदीप सैनी T20 फॉर्मेट में उतने अच्छे कैलिबर के गेंदबाज नहीं है। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल को भी कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। विराट कोहली की तरह यहाँ पर एक और जो प्लेयर है जिसको ऑपोजिशन टीम के गेंदबाजों से खतरा है, वो है नीतीश राणा। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर युजवेंद्र चहल, 64 रन 48 गेंदें, 3 बार आउट हो चुके हैं और 3 बार आउट हुए हैं दूसरी पारी में यहाँ पर युजवेंद्र चहल के आगे नीतीश राणा। वॉशिंगटन सुंदर के आगे भी इनका स्ट्रगल है, 14 रन 15 बॉलें, 2 बार आउट हुए हैं और दोनों बार दूसरी पारी में आउट हुए हैं, जहाँ पे भी दूसरी पारी में और जहाँ पे भी दूसरी पारी में। और उसके अलावा हर्षय पटेल ने इनको 2 बार आउट किया हुआ है, 19 रन 11 बॉलें। तो यहाँ पर 3 गेंदबाज जो कि ऑपोजिशन टीम की प्लेइंग 11 में 100% आपको नजर आने वाले हैं, चहल, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षय पटेल, तीनों ने ही इनको
को आउट किया हुआ है, तो वैसे में इस मैच में नीतीश राणा जल्दी आउट हो सकते हैं। राहुल त्रिपाठी की अगर बात करते हैं, राहुल त्रिपाठी का वैसे रिकॉर्ड आरसीबी टीम के खिलाफ बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ पर इनके लिए खतरा सिर्फ एक है और वो है मोहम्मद सिराज। इनका फॉर्म बहुत अच्छा है, दो बार इनको आउट कर चुके हैं, 31 गेंदों में 32 रन, यानी कि रन भी नहीं देते हैं और आउट भी कर जाते हैं। तो सिराज से अगर ये बच जाते हैं तो ये अच्छा कर सकते हैं। इयान मॉर्गन की अगर बात करते हैं तो इयान मॉर्गन के लिए चहल एक बड़ा खतरा है, 91 रन 110 बॉल और दो बार आउट कर चुके हैं यहाँ पर चहल। तो यहाँ पर आपने अभी तक नोट किया होगा कि एक तो नारायण का नाम आ रहा है, एक साकिबुल हसन का नाम आ रहा है प्लेयर बैटल में। तो नारायण और साकिबुल हसन, नारायण तो पक्का खेलेंगे, उनको आपने अपनी टीम में रखना है स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में भी रखना, और साकिबुल हसन खेल जाते हैं तो उनको भी आपने पक्का रखना है। इधर से अगर आप देखोगे आरसीबी के खेमे से चहल का नाम ज़्यादा आ रहा है, वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम आ रहा है और सिराज का भी नाम आ रहा है, तो ये तीनों गेंदबाज भी आपके पास आपकी टीम में होने चाहिए, ज़्यादातर आपके पास में चहल और सुंदर तो होने चाहिए। यहाँ पर अगेन जैसे आप देख लो नाम आ रहा है चहल का और यहाँ पर फिर से सुंदर का, सुंदर के आगे भी स्ट्रगल है यहाँ पर इयान मॉर्गन का। तो इयान मॉर्गन भी इस मैच में जल्दी आउट हो सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर और चहल दोनों के आगे इनका स्ट्रगल है। दिनेश कार्तिक की अगर बात करते हैं चहल के आगे, अगेन चहल का नाम एक बार फिर से आ गया, चहल के आगे यहाँ पर फिर से स्ट्रगल है दिनेश कार्तिक का, 30 रन किए हैं 33 गेंदों में, 3 बार आउट हुए हैं, मतलब बॉल ज़्यादा है रन कम है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न का मामला है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं यहाँ पर दिनेश कार्तिक, और दोनों ही बार दूसरी बारी में आउट हुए हैं। सिराज के आगे भी आउट हो चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, सैंपल साइज छोटा है। हर्षद पटेल के आगे भी आउट हो चुके हैं, नवदीप सैनी के आगे भी आउट हो चुके हैं। आंद्रे रसल की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो आंद्रे रसल का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका कोई ज़्यादा मैटर नहीं है, वैसे सैंपल साइज छोटा है। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो इयान मॉर्गन का स्ट्रगल है चहल और सुंदर के आगे, इयान मॉर्गन इस मैच में जल्दी आउट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो दूसरा प्लेयर, हाँ तीन प्लेयर यहाँ पर आते हैं, पहला प्लेयर है विराट कोहली जल्दी आउट हो सकते हैं इस सिचुएशन में, अगर सामने वाली टीम में साकिबुल हसन और नारायण दोनों खेलते हैं तो। और दूसरी जो बात है वो है नीतीश राणा जल्दी आउट हो सकते हैं, चहल खेलेंगे, वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे, सिराज भी खेलेंगे और हर्ष पटेल भी खेलेंगे, तो इनके जल्दी आउट होने के चांस है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तीसरा जो प्लेयर है जो जल्दी आउट हो सकता है वो है इयान मॉर्गन, चहल ने आउट किया हुआ है और वॉशिंगटन सुंदर ने आउट किया हुआ है, दोनों ही खेलने वाले हैं इस मैच में। तो आपको चांस किस प्लेयर के ऊपर लेना है, मेरे ख्याल से नीतीश राणा सबसे बेस्ट विकल्प है, नीतीश राणा को आप ड्रॉप कर सकते हो और उसकी जगह पर आप ले सकते हो किसी डिफरेंशियल प्लेयर को। तो चलो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के लिए कौन कौन से बेहतरीन पिक है जिनको अगर आप इस मैच में ट्राई करोगे तो आपका ग्रैंड लीग में रैंक बहुत बढ़िया आ सकता है और आप ग्रैंड लीग विन भी कर सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।